नमस्कार दोस्तों सिग्नल एंड सिस्टम लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो से जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैं इन डिटेल एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा जैसे ही एक प्रॉपर्टी ख़त्म होगी उसी प्रॉपर्टी बेसिस पर कुछ नोमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपके सामने सोल्व कराऊँगा तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या होगा अगर दोस्तों कोई आपका सिग्नल टाइम डोमेन में एफ ओफ्टी है एफ ओफ टी सिग्नल पे जो फोर ईयर ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा तो मेरा जो फोर ईयर ट्रांसफॉर्म सिग्नल है वो एफ ऑफ है अगर दोस्तों ये जो सिग्नल है अगर इसमें टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन इंक्लूड हो जाए तो क्या बन जाएगा सिग्नल एफ ओफ लेटर से टी माइनस टी नॉट ये हो जाएगा तो अगर किसी एक टाइम सिग्नल का टाइम शिफ्टिंग हो जाता है तो उसके बाद उसका फोर ईयर ट्रांसफॉर्म क्या होगा वो हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे तो जैसा कि हमें पता है कि जो एक फोर ईयर ट्रांसफॉर्म है उसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है माइनस इनफिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई विद ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी इंटू डी टी ठीक है तो अगर मुझे यहाँ पे एफ ओफ टी माइनस टी नोट इसका मुझे फोर ईयर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो इसका मतलब टाइम डोमेन सिग्नल में एफ ऑफ टी माइनस टी नोट होगा ठीक है तो इसका जो फोर ईयर ट्रांसफॉर्म होगा एफ टी अस से वो क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी जो इनपुट सिग्नल है यहाँ पे हमारा इनपुट सिग्नल क्या है एफ ओफ टी माइनस टी ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी ठीक है मैं यहाँ एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज करूँगा मैं चाहता हूँ कि जो टी माइनस टी नोट है उसको मैं यू पुट कर लूँ ठीक है तो इसका मतलब यहाँ से जो टी है वो क्या हो जाएगा यू प्लस टी नोट इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करूँ और इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू यू करूं क्योंकि ये भी डिफ्रेंशिएट हो सकता है और ये भी डिफरेंशिएट हो सकता है लेकिन टी नोट आपका एक पर्टिकुलर टाइम से सिग्नल शिफ्ट हुआ है तो वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो यानी ये बन जाएगा डी टी इज इक्वल टू डी यू ठीक है सिर्फ ये वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दें तो ओवरऑल जो फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ टी माइनस टी नोट क्या है यू तो मैं यहाँ लिखूंगा एफ ऑफ यू ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी क्या है टी यू प्लस टी नोट तो ये लिखूंगा मैं यू प्लस टी नोट इन टू डी टी डी टी इज इक्वल टू डी यू इंटू डी यू ठीक है अब यहां से आप इसको कंप्लीट सोल्व कर लीजिए तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या बना माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ यू ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा यू इंटू ई ई रेज टू पावर कितना हो गया ये माइनस जे ओमेगा टी नोट इंटू डी यू अब ये जो विद रिस्पेक्ट टू यू ही आपका इंटीग्रेशन है तो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें यू है ही नहीं तो ये फैक्टर आपका ऐसा है जिसमें यू नहीं है तो इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट वैल्यू समझी जाएगी इस वैल्यू को इंटीग्रेशन से बाहर रख लीजिए तो आपका जो एफ ऑफ टी फोरियर जो ट्रांसफॉर्म सिग्नल बना वो क्या सिग्नल बना ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट ये है इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ ऑफ यू ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा यू इन टू डी यू ठीक है अब देखो दोस्तों स्टैंडर्ड फार्मूला ये था अगर मैं यहाँ टी को यू से रिप्रेजेंट कर दूँ तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है तो ये आपका ये जो फैक्टर है ये आपका क्या है ये आपका फोर ईयर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी सिग्नल था या एफ ऑफ यू सिग्नल था तो इसका मतलब यह हुआ कि ओवरऑल जो फोर ट्रांसफॉर्म सिग्नल मिला दैट इज रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट इन टू एफ ओमेगा राइट तो यहां से पता लग गया एफ ओ फोर ट्रांसफॉर्म किसका निकाल रहे थे एफ ऑफ टी माइनस टी नॉट तो यहां से हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है और इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग अब हम ये कह सकते हैं कि टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डायरेक्टली अप्लाई की जा सकती है एफ ऑफ टी सिग्नल है फोर ईयर ट्रांसफॉर्म मिला एफ ऑफ ओमेगा मिला एफ ऑफ टी माइनस टी नोट सिग्नल है इसका फोर ईयर ट्रांसफॉर्म अभी आपके सामने डेरीवेशन रखी है इसको कई बार टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी कह देते हैं जो कि कन्वेंशनल पेपर में या यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो वो कितना है e रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी naught into एफ of ओमेगा यानी एफ of टी सिग्नल का आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है अगर वो सिग्नल टाइम शिफ्ट हो जाता है चाहे वो एडवांस शिफ्ट हो चाहे वो डिले हो तो आप फर्दर उसको कन्वेंशनल मेथड से उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ना निकालें सिर्फ इस फार्मूले को यूज़ करें e रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी naught into एफ of omega. ओमेगा ठीक है अगर आपका सिग्नल लेटर से एफ ऑफ टी प्लस टी नोट हो तो क्या होगा टी माइनस टी नोट है तो ई रेज टू पावर माइनस हो गई टी प्लस टी नोट होगा तो ई रेज टू पावर प्लस हो जाएगी ओमेगा ओमेगा नोट ऑफ राइट अगर दोस्तों ये दोनों सिग्नल एड हो जाए तो क्या हो प्लस टी नोट प्लस एफ़ ऑफ टी माइनस टी नोट दो सिग्नल अगर आपके टाइम डोमेन में ऐड हो जाते हैं तो उनके कोरोस्पॉन्डिंग जो फोर ट्रांसफॉर्म है वो भी ऐड होगा क्योंकि फोर ईयर ट्रांसफॉर्म आपका लीनियर प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है तो यहां से एफ ऑफ ये दोनों ऐड होंगे तो एफ ऑफ ओमेगा कॉमन आ गया और यहां क्या बचा ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी प्लस ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी ठीक है, ओके और इसी के साथ यहां क्या होगा अगर मैं नीचे टू से डिवाइड कर दूँ और यहां टू से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या बन जाएगा ये आपका कंप्लीट सिग्नल था इसका जो फोर ट्रांसफॉर्म है एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाएगा e की पावर जे ओमेगा टी नॉट प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट डिवाइडेड बाई टू ये होता है दोस्तों कोस ऑफ ओमेगा इन टू टी नोट तो इसका मतलब आपका क्या मिल जाएगा ये दैट इज टू एफ ऑफ ओमेगा इन टू कोस ऑफ ओमेगा इन टू टी नाट ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अगर ये दोनों सिग्नल सब्ट्रैक्ट हो जाए तो दोनों सिग्नल अगर सब्ट्रैक्ट होंगे मैं यहां पे स्प्लिट कर देता हूं ताकि सारे बच्चे इजीली समझ सके कंफ्यूज ना हो तो एफ ऑफ टी प्लस टी नोट माइनस एफ ऑफ टी माइनस टी नोट अगर ये सिग्नल है इसका फोर ट्रांसफॉर्म क्या होगा इसके लेवल पे निकाल चुके हैं इसके लेवल पे निकाल चुके हैं है, यानी इन दोनों सिग्नल्स का सब्ट्रैक्शन है तो कोरोस्पॉडिंग फोर ट्रांसफॉर्म्स का भी सब्ट्रैक्शन ही होगा तो एफ ऑफ ओमेगा अगेन दोनों में कॉमन आ जाएगा और यहाँ इन दोनों का सब्ट्रैक्शन दैट इज ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी नाट माइनस ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी नाट ठीक है इसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ डिवाइडेड बाय टू जे लिखूँ और मल्टीप्लाई विद टू जे लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डिवाइडेड बाय टू जे करने से मेरे को एक स्टैंडर्ड टर्म मिल जाएगी और वो मेरी स्टैंडर्ड टर्म्स क्या है साइन ऑफ ओमेगा इन टू टी नाट तो ये जो आपका सिग्नल था इसका जो फोर ईयर ट्रांसफॉर्म होगा वो मिलेगा आपको टू इंटू जे एफ ओफ ओमेगा साइन ओमेगा इंटू टी नॉट तो दोस्तों ये जो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बेस्ड एक नोमेरिकल प्रॉब्लम्स को मैं इन डिटेल सोल्व करूँगा आई होप ये टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और इसका पूरा प्रूफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ सकता है आपको ईजिली समझ आ गया होगा दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो